नमस्कार एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज अवर चैप्टर फोर ऑर्डरिंग ऑफ एप्टीट्यूड सी द असाइनमेंट ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ऑन पेज नंबर ट्वेंटी फाइव सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग का मतलब ऑर्डरवाइज रखना यानी लाइन से अच्छे से क्रम में रखना तो इन दिस असाइनमेंट वी हैव टू नंबर द एक्टिविटीज़ इन करेक्ट ऑर्डर यानी यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी हुई है जिसके पिक्चर्स आड़े टेढ़े हैं हमें नंबर्स में रखने हैं जैसे हम हमारे घर के एल्बम में पिक्चर्स सजाते हैं तो कैसे करते हैं हम वैसे ही लाइन से करने होते हैं फॉर एग्जांपल आपको आपकी मम्मा ने आपकी पिक्चर्स दी आप एक साल के थे तब से लेके अभी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड तक आए तब तक की तो आप क्या करेंगे पहले अभी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए उस आ, इमेज को यानी उस पिक्चर को आप एल्बम में पहले रखेंगे या फिर आप जब छोटे थे एक साल के भी नहीं थे आप जब आ, आपका जब बर्थ हुआ उसकी पिक्चर आप फर्स्ट रखेंगे कोर्स हम किसकी पिक्चर फर्स्ट रखेंगे जब हम पैदा हुए है ना तो वो ऑर्डर वाइज रखेंगे वहाँ से लेके हम एक साल के हुए दो साल के हुए है ना और फिर लास्ट पिक्चर क्या आएगी आज की करंट की जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो यहाँ भी हमें ऐसे ही करना है आपकी ये ये यहाँ पे देखो कोई बच्चा है जिसकी बर्थडे पार्टी है उसकी पिक्चर है तो वो सारी हमें कैसे करनी है वाइज रखनी है अगर हम एल्बम सजा रहे हैं तो फर्स्ट पिक्चर कौन सी इसमें से डालेंगे तो हम घर में पार्टी होती है तो पहले क्या करते हैं डांस करते हैं केक कट करते हैं या फिर नाश्ता करवाते हैं सो जाते हैं क्या करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं वी विल डेकोरेट अवर हाउस हम सबसे पहले हमारा घर है वो डेकोरेट करते हैं है देन है दूसरा क्या होता है घर डेकोरेट हो जाने के बाद सारे फ्रेंड्स जो है वो हमारे घर आते हैं देखो यहाँ पे ये जो लड़का है उनके फ्रेंड्स घर पे आने लगे उनकी बर्थडे पार्टी है सब उन्हें विश कर रहे हैं बर्थडे फिर क्या होता है फिर वी वी कट अवर केक सब सबके आ जाने के बाद हम क्या करेंगे केक को कट करेंगे है ना देन केक कट होना हो जाने के बाद हम क्या करते हैं हम सारे फ्रेंड्स हैं वो हमें गिफ्ट्स देते हैं है ना केक कट हो जाने के बाद वो सब हमें गिफ्ट्स देते हैं फिर गिफ्ट्स देने के बाद हम उन्हें नाश्ता करवाते हैं केक खाते हैं है ना और घर पे जो ममा ने नाश्ता बनाया होता है वो नाश नाश्ता करवाते हैं फिर हम क्या करते हैं फिर वी एन्जॉय अवर बर्थडे पार्टी हम बहुत सारा डांस करते हैं मज़ा करते हैं ना वी विल फन विथ अवर फ्रेंड्स देन हम क्या करते हैं सब फ्रेंड्स घर चले जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं वी क्लीन अवर हाउस हम हमारे घर को क्लीन करते हैं एंड धैन वी विल गो फॉर स्लीप और हम सो जाते हैं वो होगी आठवीं एक्टिविटी तो ये जो आठों पिक्चर्स है जो एट पिक्चर्स है उन्हें हमें क्या करना है ऑर्डर में लाइन वाइज क्रम में आ, नंबर्स देने हैं है ना तो ये बहुत ही ईजी है नाउ सी पेज नंबर ट्वेंटी सेवन असाइनमेंट ट्वेंटी थ्री लुक एट द नेम्स एंड देन राइट दैम इन द रजिस्टर इन द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर सी यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे बच्चों के नाम्स दी नेम्स दिए हैं है ना और आपको यहाँ के आप यहाँ पे आपको क्लास रजिस्टर बीच में दिया हुआ है तो आपको क्या करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी ए बी सी डी ई एफ जी जो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग पूरा जो ऑर्डर क्रम होता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है यहाँ पे क्लास रजिस्टर करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक करके दिया है जो है अनु तो अनु कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए तो सेकेंड किस, नेम किस से स्टार्ट होगा बी से स्टार्ट होगा इट्स ईजी तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है बी का नाम आ, कौन से बच्चे का स्टार्ट हो रहा है तो इट्स ब सो सेकेंड रोल नंबर किसका होगा बबीता का है ना फिर बी के बाद क्या आता है जी आता है नो no. या फिर ए या ई e? एफ क्या आता है इट्स सी ए बी एन सी तो सी पे चंद्र का नाम है तो वी हैव टू राइट डाउन सी बी के बाद सी लिखना है चंद्र है ना तो ए बी सी होगा थर्ड रोल नंबर अब फोर्थ रोल नंबर किसका होगा ए बी सी फिर डी आएगा है ना तो डी से किसका नाम स्टार्ट होता है दीपक सो वी हैव टू राइट डाउन दीपक नाउ डी के बाद क्या आता है इट्स ई e. तो ई e से किसका नाम स्टार्ट होता है एकता सो वी हैव टू राइट डाउन एकता हियर फिर ई e के बाद क्या आता है ए बी सी डी ई F तो F से किसका नाम स्टार्ट हो रहा है फरहान सो वी हैव टू राइट डाउन फरहान एकता के बाद हमें फरहान लिखता लिखना है फिर है A B C D E F G तो G से गीता का नाम स्टार्ट हो रहा है सो वी हैव टू राइट डाउन गीता हियर uh, फरहान के बाद हमें गीता का रोल नंबर लिखना है और लास्ट लाइन बची है तो किसका नाम आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच हर्ष है ना सो वी हैव टू राइट डाउन हर्ष हियर तो ये हुई ऑर्डरिंग अकॉर्डिंग टू क्लास रजिस्टर जो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करनी होती है ना सी आपका होमवर्क है ये सी आपको क्या करना है पुट दिस पिक्चर्स इन द राइट ऑर्डर टू मेक अ स्टोरी सी ये पिक्चर से स्टोरी बनती है तो आपको इसे राइट right ऑर्डर में लिखना है तो पहले क्या हम करते हैं पहले फ्लावर्स उग जाते हैं या फिर हम आ, पानी पहले पिलाते हैं क्या करते हैं या फिर हम पहले सीड खरीदने जाते हैं और गमला खरीदने तो ये आपका होमवर्क है कि पहले हम इसमें से कौन सी एक्टिविटी करेंगे सीड खरीदेंगे या फिर पहले ही फ्लावर ले आएंगे क्या करेंगे तो दिस इज इन योर होमवर्क आपको क्या करना है आपके जो एस एस की नोटबुक है या एक्स्ट्रा नोटबुक है कोई भी है वहाँ पे होमवर्क लिख के ये करना है कि आ, जो पिक्चर है वहाँ पे वन टू थ्री फोर ये ऐसे पिक्चर का बॉक्स बना देना ऐसे चार बॉक्स बना देंगे उसमें पिक्चर आप भले ही ड्रॉ ना करो पर क्या करेंगे वन टू थ्री फोर जो भी ऑर्डर वाइज है वो नंबर्स लिख देंगे ओके पिक्चर ड्रॉ करनी बहुत ही डिफ़िकल्ट है तो हम पिक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे नाउ सी सेकंड होमवर्क वो भी ऐसे ही है कि यहाँ पे एक लड़का है जो रेस करना कर रहा है है ना तो वो पूरी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ से ख़त्म होगी वो ऑर्डर वाइज आपको नंबर्स देने हैं ओके एंड दिस वन इज हमारा क्लास रजिस्टर यहाँ पे आपको बच्चों के नाम दिए हैं मैंने नाम लिख के दिए है, है ना और ये एक जो है मैंने डन करके दिया है अंबिका अब ए के बाद क्या आता है और तक ये सारे जो नाम हैं वो आपको क्लास रजिस्टर में रजिस्टर करने हैं तो दिस इज़ इन योर होमवर्क